हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बोर्ड की वायरिंग करना घर पर ही सिखाऊंगा, किस तरह से आप बहुत आसान तरीके से बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, इसमें चार स्विच हैं और एक सॉकेट। ठीक है दोस्तों, एक स्विच की इसमें जगह नहीं थी तो मैंने अलग से स्विच लगा लिया है इसमें। तो मैं आपको इसमें चार स्विच और एक सॉकेट वायरिंग करना सिखाऊंगा घर पर, बहुत ही अच्छी ट्रिक, बहुत अच्छी आसान तरीके से बताऊंगा। ये मेरे तीन स्विच रहेंगे एक्स्ट्रा, इससे कोई भी पंखा चलाइए आप या कोई भी बल्ब वगैरह या कुछ भी चलाइए और इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करते हैं पहले, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें करना ये है कि हम चारों स्विचों में फेस दे देंगे। ठीक है, ये देखिए ये चार स्विच हैं। ठीक है दोस्तों, चारों स्विचों में नीचे वाले पॉइंट पे फेस दे देंगे। देखिए रेड कलर का हमने फेस ले लिया है और हम तार को हमने तच छीन लिया है कि हम चारों इसमें ये लगा देंगे। चारों स्विचों में देखिए हमने फेस दे दिया है। अब दोस्तों हमें करना ये है कि इस वाले स्विच से हम ये सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, तो इस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के दे देते हैं। दोस्तों वायरिंग करते हम ये ध्यान रखें तार अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, 1 से 1.5 mm का तार आप लगाएं। ये देखिए स्विच से मैंने फेस काट के सॉकेट को दे दिया है। अब दोस्तों मुझे करना ये है कि मुझे सॉकेट में न्यूट्रल देना है। ये ब्लैक कलर का देखिए मैंने न्यूट्रल ले लिया है, मैं सॉकेट में यहाँ न्यूट्रल दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों करना मुझे ये है, अब दोस्तों मुझे करना ये है। देखिए हम तीनों स्विचों में एक्स्ट्रा होल्डर कनेक्शन करना बताएंगे, ये पंखा वगैरह कुछ भी आप कनेक्शन करें। तो देखिए ये ले लिया हमने, आप इसे पंखे में भी दो तार होते हैं, होल्डर में भी। तो हमें दोस्तों करना ये है कि अगर इस वाले स्विच से हम कनेक्शन करें तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के हम जो भी पॉइंट चलाएंगे, पंखा कोई भी चीज़, तो हम उसका फेस इस स्विच में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये दे दिया। ठीक, अब हमें इसको जो न्यूट्रल देना था, इसको वो न्यूट्रल हम ये यहाँ पर आया तो हम इसको जो भी हमारा जो था इसमें पंखा या बल्ब कुछ भी मान लीजिए, तो इसका जो न्यूट्रल आया वो हम इसमें दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह दोस्तों अब हम कोई इस वाले स्विच से कनेक्शन करेंगे तो वो हम
इसी तरह फेस यहाँ स्विच से काटेंगे और उसका न्यूट्रल जो होगा वो यहाँ लगा देंगे, और इसी तरह इस वाले स्विच से कनेक्शन करेंगे तो फेस यहाँ से लगाएंगे हम स्विच के ऊपर पॉइंट से और न्यूट्रल यहाँ लगा देंगे। न्यूट्रल सबका यहीं लगना है और फेस ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जो भी चीज़ चलाओ, पंखा हो कोई भी चीज़ हो, सब में न्यूट्रल फेस दो होते हैं, ठीक है, दोनों तार होते हैं, तो फेस हमारा स्विच पर आ जाएगा, ठीक है, और न्यूट्रल यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसे चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बोर्ड में हमने करंट दे दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वाले स्विच से ये हमने बल्ब करा था, ये हमारा बल्ब मिल गया है। जिस तरह से मैंने इस सॉक इस स्विच के कनेक्शन करे इसी तरह इसके होंगे और इसी तरह इसके होंगे। ये देखिए ये बल्ब जल रहा है हमारा। ठीक, अभी हम इस ये सॉकेट चेक करके बताते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ठीक ये हमारा ये जल रहा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने इस वाले बल्ब के कनेक्शन करें इसी तरह इसके करेंगे, इसी तरह इसके करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।